अब हम इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पाठ है जो कि द्रव अवस्था है, इसे जानेंगे। तो द्रव व्यवहार को भी अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हम समझ सकते हैं कि द्रव के अणु एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं। यदि हम गैस के साथ इसकी तुलना करें तो द्रव के जो अणु होंगे वो एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी अधिक होता है गैस के अणुओं की तुलना में। द्रव के अणुओं के मध्य लगातार अनिश्चित गति भी चलती रहती है और द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी तापमान के समानुपाती होती है। तो ये सारे बिंदु को अगर हम अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर लें तो ये द्रव अवस्था को एक्सप्लेन करती है। द्रव अवस्था के कुछ विशेष गुणों के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि घनत्व। तो यदि हम द्रव और गैस के अणु की तुलना करते हैं तो द्रव के अणु गैस के अणुओं की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं, तो द्रवों का जो घनत्व होगा वो गैसों के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। अगला हम देखेंगे संपीड्यता। तो गैस के अणुओं की तुलना में चूंकि द्रव के अणु अधिक पास पास होते हैं तो यहाँ पर स्थान कम होता है इनके मध्य, अणुओं के मध्य, तो यहाँ पर संपीड्यता भी गैस के अणुओं की तुलना में कम होती है क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो कम होता है। जैसा कि हमने ये देखा था कि गैस के अणुओं में विसरण का गुण होता है, द्रवों में भी विसरण का गुण देखने को मिलता है, लेकिन द्रव में जो विसरण की गति होती है अणुओं के मध्य तो वो थोड़ी कम होती है, धीमी गति से ये विसरित होते हैं। द्रव अवस्था में जो अणु हैं वो अपने पास वाले अणु से कई बार टकराते हैं और गैसों के गतिशील अणुओं के लिए कम बाधा रहती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं जबकि द्रव के अणु थोड़े पास पास होते हैं, तो ये ज़्यादा टकराने लगते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से उनके जो विसरण की जो दर होती है वो गैस के अणुओं की तुलना में कम हो जाती है। द्रवों का जो गुण है, यदि हम वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे तो द्रव के सतह से ये होने लगती है कि द्रव के सतह के अणु जो है वो गतिज ऊर्जा जैसे ही उनको मिलती है तो वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो ये वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यदि हम एक पात्र में जल भरकर रख देते हैं और एक दो दिन के बाद उस जल को देखते हैं पात्र में रखे हुए, तो हम देखते हैं कि उस जल का जो तल है वो कम होने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये वाष्पन की प्रक्रिया होती है और ये जो जल की सतह से जो गतिज ऊर्जा पाकर जो अणु है वो वाष्प में लगातार परिवर्तित होने लगते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन या वेपोराइजेशन। वे द्रव जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है वहाँ पर वाष्पीकरण धीमी गति से होगा और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। तो जो वाष्पन की घटना है वो सतह पर होने वाली एक घटना हो गई और जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पन की या वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही तेज़ी से होती है। यदि हम एक उदाहरण लें, जल को बीकर में रखा गया, टेस्ट ट्यूब में रखा गया। चूँकि बीकर में रखे हुए जल के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल का मान अधिक होगा, ज़्यादा क्षेत्र होगा वहाँ पर, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होगी बीकर में रखे हुए जल के लिए किसकी तुलना में, टेस्ट ट्यूब में रखे हुए 10 ml जल की तुलना में। तो वाष्पित होने की जो प्रवृत्ति होती है या जो द्रव की वाष्पशीलता है वो द्रव के अंतराणु आकर्षण बल की प्रबलता को दर्शाती है। अब हम द्रव के एक और गुण के बारे में जानेंगे जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर। जब द्रव को एक बंद पात्र में रखा गया है और जब यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, वाष्पन प्रारंभ होता है, तो कुछ समय के तक तो हम देखते हैं कि इस द्रव के तल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि पात्र जो है वो बंद है। द्रव की सतह से वाष्पित होने वाले जो अणु है वो निश्चित स्थान पर ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पात्र जो है वो बंद है, तो जितने भी अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं वो एक निश्चित स्थान को घेरे हुए हैं। ये अणु आपस में वायु के अणुओं से टकराते रहते हैं और अणुओं का द्रव की सतह पर वापस आने का जो प्रक्रम है वह संघनन कहलाता है, क्योंकि जो अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं वो फिर संघनित भी हो रहे हैं। तो वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर ये दोनों यहाँ पर बराबर हो रही है और जब दोनों प्रक्रम एक समान दर से चलता रहता है तो जो तंत्र है उसकी अवस्था जो है उसे हम गतिक साम्यावस्था के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाष्पन की दर और जो संघनन की दर है दोनों बराबर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गतिक साम्य की स्थिति
प्राप्त होती है। जो अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं तो अणु वाष्प्रावस्था में दाब उत्पन्न करते हैं और इस दाब को कहते हैं साम्य दाब। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा तो द्रव की सतह से निकलने वाली जो अणुओं की संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी, तो वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। तो यदि हम वाष्प दाब को परिभाषित करें कि यदि स्थिर ताप है और स्थिर ताप पर जितने भी अणु, यदि बंद पात्र में रखा हुआ एक द्रव है और उसमें जितने भी अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं, इन अणुओं के द्वारा वाष्प की सतह पर जो दाब डाला जाएगा वो कहलाएगा वाष्प दाब। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएगा वैसे वैसे अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। वाष्प दाब जो है वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि ऐसे द्रव हैं जो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होते हैं तो वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब के मान में भी वृद्धि होगी। जब अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल बहुत कम होगा तो वहाँ भी वाष्पीकरण तेजी से होगा, वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब के मान में वृद्धि होगी। उसमें अणुओं में द्रव की सतह को शीघ्रता से छोड़ने की प्रवृत्ति होगी तो वाष्प दाब का मान भी अधिक होगा। यानी अणुओं के मध्य यदि आकर्षण बल कम है तो जो द्रव के अणु हैं वो सतह को तीव्रता से छोड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईथर के लिए वाष्प दाब का मान सबसे अधिक है, एसीटोन का उससे कम है और बेंजीन का उससे कम है और जल का सबसे कम है वाष्प दाब। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि यह जो हम घटता हुआ क्रम देख रहे हैं ये इनके अणुओं के मध्य जो अन्योन्य क्रिया है, अणुओं के मध्य जो अंतरणविक आकर्षण बल है उस कारण से हो रहा है। तापमान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वाष्प की दर जो है वो बढ़ेगी और साम्यावस्था तुरंत स्थापित होगा, तो ऐसी स्थिति में वाष्प दाब के मान में भी वृद्धि होती है। जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ होता है, और यदि हम क्वथनांक को वाष्प दाब के आधार पर परिभाषित करेंगे तो जिस तापमान पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इस तापमान पर वह द्रव उबलना स्टार्ट होता है, इसी तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर हम अंतराणविक आकर्षण को समझने के लिए ईथर, अल्कोहल और जल, तो ये ग्राफ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है, तो वाष्प दाब के मान में भी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वाष्प दाब और तापमान के मध्य जो ग्राफ खींचा गया है, तो यहाँ पर देखिए डाईएथिल ईथर के लिए तो ये टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच खींचा गया एक ग्राफ है जो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो यहाँ पर डाईएथिल ईथर के लिए क्वथनांक है। यानी इस तापमान पर ये जो डाईएथिल ईथर है इसका जो वाष्प दाब है वह मंडली दाब के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार एथेनॉल के लिए जो क्वथनांक है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इस तापमान पर एथेनॉल का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, इस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं, एथेनॉल का क्वथनांक, इस ताप को हम एथेनॉल का क्वथनांक कहते हैं। अगला हम देख रहे हैं जल, तो जल के लिए सभी जानते हैं कि क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तापमान पर जल का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इस तापमान पर जो क्वथनांक होगा वह जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम द्रव के एक बहुत ही मुख्य गुण के बारे में जानेंगे, सरफेस टेंशन या द्रव का पृष्ठ तनाव। जब हम ये देखते हैं कि द्रव के अंदर जो अणु है वो चारों ओर स्थित जितने भी अणु हैं उससे वो एक समान रूप से आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो यहाँ जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है, क्योंकि ये जो बीच वाले अणु होते हैं वो चारों तरफ उपस्थित अणुओं के साथ समान रूप से आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो परिणामी बल यहाँ पर शून्य होता है। लेकिन जो अणु द्रव की सतह पर होते हैं तो इनके ऊपर द्रव के अणु कोई और उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये केवल अंदर के अणुओं के द्वारा खिंचाव बल महसूस करते हैं। यहाँ पर जो द्रव की सतह पर अणु है वो केवल अंदर की तरफ उपस्थित जो अणु हैं उनसे वो खिंचाव अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो द्रव की सतह है वो हम देख रहे हैं कि तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है, तो इस आंतरिक आकर्षण बल के कारण द्रव जो है वो संकुचित होने की कोशिश करता है, और इस आंतरिक आकर्षण बल को पृष्ठ तनाव
या सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, द्रव की स्थिर और काल्पनिक 1 सेंटीमीटर रेखा पर कार्यरत जो बल होता है, जो कि द्रव सतह की स्पर्श दिशा में काल्पनिक रेखा के लंब रूप में कार्य करता है, ये द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। या हम द्रव की जो सतह है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है, यही उसका पृष्ठ तनाव है। और इसी पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहती है, यानी द्रव की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इस आंतरिक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि द्रव की सतह हमेशा खिंचाव अनुभव करती है, तो अपने क्षेत्रफल को वो कम से कम रखना चाहती है। तो यदि द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो आंतरिक बल के विरुद्ध यहाँ पर कार्य करना पड़ता है। तो हम एक सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो स्थिर तापमान पर किसी भी द्रव के क्षेत्रफल को इकाई से बढ़ाने के लिए किया गया जो कार्य है, द्रव की सतह पर किया गया जो कार्य है, वही उसका पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव को भी कई सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यदि हम तापमान को देखते हैं तो तापमान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और जब गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो भी कम होता है। तो जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होगा तो पृष्ठ तनाव के मान में कमी हो जाएगी। यदि हम द्रव की प्रकृति के बारे में समझेंगे तो जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके मध्य अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव भी अधिक देखने को मिलता है। और इन बलों का मान जितना ज़्यादा होता है, यानी अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होता है, पृष्ठ तनाव के मान में भी उतनी वृद्धि होने लगती है। और यदि हम जल, एथेनॉल और ईथल के पृष्ठ तनाव की तुलना करते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है वो जल के लिए सबसे ज़्यादा है, एथेनॉल के लिए उससे कम है और ईथर के लिए सबसे कम है। तो हमने देखा कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना ज़्यादा होता है पृष्ठ तनाव का मान भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो चूँकि जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है तो पृष्ठ तनाव की वैल्यू भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है बहुत ही कॉमन इकाई है, CGS पद्धति में यदि हम इसे लेंगे तो डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है, और SI पद्धति में जैसा हमने देखा कि न्यूटन प्रति मीटर होता है, और पृष्ठ तनाव को गामा से दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम सारणी में कुछ जो द्रव है उनके पृष्ठ तनाव की वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पृष्ठ तनाव की वैल्यू को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जिन अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा वहाँ पृष्ठ तनाव का मान अधिक होगा, और जिन अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा वहाँ पर पृष्ठ तनाव का मान भी कम होता है। पृष्ठ तनाव के कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। सबसे पहला है कि द्रव की जो बूंद होती है उसका आकार हमेशा देखिए आप गोल होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की सतह है वो निम्नतम जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त करना चाहती है हमेशा। तो द्रव के आयतन हेतु गोले का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होता है, या हम कह सकते हैं कि गोले का क्षेत्रफल दिए गए आयतन के लिए बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो द्रव है, द्रव की जो बूंद है वो गोलाकार होती है। दूसरा हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कई सारे एग्जाम्पल जहाँ पर द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ना। यदि हम कैपिलरी ट्यूब को जल जैसे किसी भी द्रव में डुबाते हैं तो जल जो है वो कांच को गीला कर देता है, और द्रव केश नली जो होती है उसमें थोड़ी दूर तक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसे केश नली क्रिया कहते हैं या इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो सतह वाले अणुओं पर अंदर की ओर लगने वाला जो बल है वो द्रव को केश नली के ऊपर चढ़ाने के लिए ढकेलता है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी में से जो पौधों की जड़ों से जल है वो ऊपर की तरफ जाती है, वैसे ही हम देखते हैं कि तेल की बाती में तेल का चढ़ना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। अगला हम देखेंगे एक और उदाहरण जो कि है पारे का केश नली में नीचे की ओर गिरना। तो जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो बाहर की तुलना में पारे का जो स्तर है वो कम होता है, क्योंकि पारे में जो संसंजक बल है आसंजक बल से प्रबल होता है।
यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि जब समान अणुओं के मध्य आकर्षण बल है तो वो ससंजक बल होगा, और दो अलग अलग अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो असंजक बल होते हैं। तो पारे में जो ससंजक बल है वो असंजक बल से ज़्यादा प्रबल होता है, जिसके कारण पारा कांच से नहीं चिपकता है और केस नली में इसका जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। और समान अणुओं के मध्य जो कार्य करने वाला बल है, जैसा हमने देखा, इसे ससंजक बल कहेंगे, और दो अलग अलग अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे असंजक बल कहते हैं। अगला हम देखेंगे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि कांच की नली में जो जल है वो अवतल सतह बनाता है और पारा जो है वो उत्तल सतह बनाता है। तो जल और कांच के अणुओं के मध्य, चूँकि दो अलग अलग पदार्थ है जल एवं कांच, तो इनके मध्य जो असंजक बल है वो जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है अर्थात जो ससंजक बल है उससे अधिक होता है। इस कारण से जल अवतल सतह बनाता है, यानी जब हम जल और कांच को देखते हैं तो दोनों के मध्य चूँकि अलग अलग पदार्थ है तो वहाँ जो आकर्षण बल है उसे हम असंजक बल कहेंगे, जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसे हम ससंजक बल कहेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जल का अणु है वो एक अवतल सतह बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जल के अणुओं का जो ससंजक बल होता है वो कांच और जल के मध्य जो असंजक बल है उनसे अधिक होता है। इस वजह से जल जो है वो एक अवतल सतह बनाता है। दोनों में डिफरेंस है, पारे में जो ससंजक बल है यानी पारे के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है ससंजक बल, वह पारे और जल के मध्य जो असंजक बल है उसकी तुलना में ये अधिक होता है। तो पारा जो है वो एक उत्तल सतह बनाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पारा उत्तल सतह बना रहा है और जल जो है वो अवतल सतह के रूप में दिखाई देते हैं। पृष्ठ तनाव से संबंधित हमने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे जो हम दैनिक जीवन में कई जगह पे देखते हैं, जैसे द्रव की बूंद का गोलाकार होना, द्रव की बूंद का गोलाकार होना, द्रव की सतह का अवतल होना, पारे की सतह का उत्तल होना, फिर पृथ्वी से जल का ऊपर की तरफ चढ़ना। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं तो केश नली का प्रक्रिया द्वारा ये जो जल है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो पृष्ठ तनाव के हमारे दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण हो गए। अब हम द्रव के एक और गुण के बारे में जानेंगे, विस्कोसिटी या श्यानता। हम सब ये जानते हैं कि द्रव में एक गुण होता है बहने का, यानी द्रव का ये एक मूल गुण होता है कि द्रव बहने का गुण रखते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि कुछ द्रव बहुत तेज़ी से बहते हैं, कुछ द्रव बहुत धीरे धीरे बहते हैं। तो ये जो उनके बहने का जो गुण है, जो अधिक बहने का गुण और कम बहने का गुण, यही जो गुण है ये विस्कोसिटी या विस्कासिता के कारण ही होती है। तो द्रवों के प्रवाह में जो प्रतिरोध है वही होगी विस्कोसिटी या श्यानता। तो श्यानता भी एक ऐसा गुण है द्रव का जो कि अंतराणुक आकर्षण बल से संबंधित होता है या अंतराणुक बलों पर आधारित होता है। यदि किसी भी द्रव को एक नली से गुजारा जाता है तो ये पाया जाता है कि हर जगह पर इसका जो वेग है वो एक समान नहीं होता है। तो यदि हम द्रव की भिन्न भिन्न परतों को अनुमान करें, यानी अलग अलग परत है ऐसा मान के चलें, तो नली के संपर्क में आने वाली जो परत का प्रवाह है वो तो स्थिर रहता है, और नीचे की ओर जाने पर जो प्रवाह है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अलग अलग परत में जो द्रव के प्रवाह का वेग है वो भी अलग अलग होता है, और इस भिन्नता के कारण वहाँ एक आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न होता है जो कि द्रव के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ऊपर की द्रव परत और नीचे वाले द्रव परत के मध्य जो बाधा उत्पन्न होती है वो ऊपर की द्रव परत के कारण ही उत्पन्न हो रही है, और ये जो आंतरिक घर्षण बल होता है वो द्रव के बहाव में विरोध उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो F है वह DU यानी जो आंतरिक घर्षण बल है F, वो दो द्रवों या दो द्रव परतों के वेगांतर DU के समानुपाती है, और जो दोनों परतों के बीच की दूरी है DZ उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो F समानुपाती DU के और F व्युत्क्रमानुपाती होता है DZ के। अब F जो है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है, तो F समानुपाती A
डी यू बटा डी जेड, और यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो ईटा लगता है। तो ईटा जो है वो यहाँ पर श्यानता गुणांक को या विस्कासिता गुणांक को दर्शाता है, ईटा ए डी यू बटा डी जेड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये श्यानता गुणांक को ईटा के द्वारा दर्शाया जा रहा है। श्यानता को यदि हम परिभाषित करेंगे तो श्यानता का अर्थ ये है कि हमने देखा कि द्रव के प्रवाह में या द्रव के प्रवाह में जो रुकावट है, बाधा है, वही श्यानता होती है। इसे हम यदि अलग अलग परतों के घर्षण बल के आधार पर परिभाषित करेंगे तो किसी भी द्रव का जो श्यानता गुणांक है वो आंतरिक आकर्षण बल है जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 परतों के मध्य इकाई वेगांतर स्थापित करता है। या हम इसे इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि इकाई दूरी पर स्थित जो 2 समानांतर परत हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें प्रवाह के वेग में यदि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेगांतर बना रहे तो जो आवश्यक बल है वो आवश्यक बल का विस्कासिता गुणांक कहलाता है। या हम कह सकते हैं इकाई दूरी पर स्थित 2 समानांतर परतों जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है में प्रवाह के वेग में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेगांतर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल विस्कासिता गुणांक कहलाता है। श्यानता की जो इकाई होती है, श्यानता की इकाई को हम देख रहे हैं कि पास्कल सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है। 1 पास्कल सेकंड जो है वो 10 पॉइज के बराबर होता है, या हम इसके मात्रा को डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको 1 पॉइज के रूप में जाना जाता है, और 1 पॉइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक यूनिट है श्यानता के लिए। श्यानता को प्रभावित करने वाले भी कई सारे कारक होते हैं, जैसे तापमान। तापमान जितना बढ़ेगा अणुओं के मध्य जो गति है वो भी बढ़ती है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो जो श्यानता है वो कम होने लगती है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो घटेगा, तो इस वजह से जो बहाव है अणुओं के मध्य जो गति है वो बढ़ेगी द्रव अणुओं के मध्य, तो श्यानता का मान घटेगा। दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक अंतरणविक जो आकर्षण बल है या द्रवों की जो प्रकृति होती है। तो जितना ज़्यादा हम देखते हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल है उतना ज़्यादा श्यान द्रव होगा, और आकर्षण बल यदि कम है तो श्यानता कम होती है। दाब जैसे जैसे बढ़ाएंगे अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा तो श्यानता का मान भी बढ़ता जाता है। अगला हम देखते हैं, यदि हम अणुओं की संरचना की बात करते हैं तो छोटे और जो सममित अणु होते हैं, तो छोटे और सममित अणुओं वाले जो द्रव की अपेक्षा जो असममित अणु संरचना वाले जो द्रव होते हैं वो ज़्यादा श्यान देखे गए हैं। इस प्रकार से हम देखें कि श्यानता को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, ताप, दाब, अंतरणविक आकर्षण बल, ये सभी श्यानता को प्रभावित करते हैं। और द्रव का एक महत्वपूर्ण गुण है श्यानता, जो इसके कई सारे और भी हम विशेष गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यदि हम आयनिक यौगिक को जल में घोल देते हैं और यदि हम अधिक अणुभार वाले यौगिक को जल में घोलते हैं तो अधिक श्यान द्रव कौन सा होगा? जो अधिक अणुभार वाला यौगिक हमने जल में घोला वो ज़्यादा श्यान द्रव होता है। यदि यहाँ पर हम एक और तुलना करें कि दो अगर द्रव है तो जो ज़्यादा श्यान द्रव होगा उसके जो बहने की दर होगी वो कम होगी, और जो कम श्यान द्रव होगा उसके बहने की दर अधिक होगी। अगला हमने देखा कि यदि आकर्षण बल अधिक है, अंतरणविक आकर्षण बल, तो अधिक श्यान द्रव होगा, और यदि हम हाइड्रोजन बंध और वांडरवाल आकर्षण बल, अंतरणविक आकर्षण बल जैसे कई सारे बलों की तुलना करते हैं तो जिन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है उन अणुओं में हम देखते हैं उस प्रकार के जो द्रव के अणु होते हैं वहाँ पर श्यानता अधिक होती है। तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ग्लिसरॉल है, वो अधिक श्यान द्रव माने जाते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कांच जो है वो बहुत चिपचिपा द्रव होता है, इसी वजह से कांच को ठोस के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि कई जो पुरानी इमारतें होती है उसकी जो खिड़कियां होती है, पुरानी जो खिड़कियों के पलड़े होते हैं उसमें जो कांच होता है वो नीचे की तरफ, उस खिड़की के कांच की मोटाई जो होती है वो नीचे की तरफ अधिक होती है क्योंकि कांच एक चिपचिपा द्रव है तो उसमें भी धीरे धीरे बहने का गुण होता है। तो इतना चिपचिपा द्रव होता है, इतना श्यान होता है कि उसकी तुलना हम ठोस से भी कर सकते हैं। तो पुरानी इमारतों में खिड़कियों के पलड़ों में
नीचे की तरफ जो कांच की मोटाई है वो अधिक होती है। 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब पर 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। यहाँ पर R का मान बार लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन के रूप में लिया जा रहा है, जो कि है 0.083। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोलों की संख्या की गणना करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बटा मोलर आयतन। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान है 8.8 और मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो मोलों की संख्या प्राप्त होती है 0.2 मोल। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, क्योंकि यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है तो V बराबर nRT अपॉन P। कार्बन डाइऑक्साइड का दाब 1 बार, R का मान है 0.083 बार लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तापमान को केल्विन में बदलते हैं तो 273 प्लस करेंगे 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, तो तापमान प्राप्त होगा 304.1 केल्विन। इन सभी मानों को हम V बराबर nRT अपॉन P में रखते हैं। N का मान 0.2, R का मान 0.083 गुणा T का मान 304.1 बटा प्रेशर 1 बार। V का मान प्राप्त होता है 5.048 लीटर। एक नियॉन डाइऑक्सीजन मिश्रण में 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन तथा 167.5 ग्राम नियॉन है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार है तो मिश्रण में नियॉन तथा डाइऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा? यह प्रश्न डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित है। सबसे पहले हम डाइऑक्सीजन के मोलों की संख्या की गणना करते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान है डाइऑक्सीजन के लिए 70.6 बटा इसका आणविक द्रव्यमान 32। जो मान प्राप्त होता है, मोलों की संख्या प्राप्त होगी डाइऑक्सीजन के लिए, वह है 2.21 मोल। नियॉन के मोलों की संख्या बराबर 167.5 बटा 20। नियॉन के लिए जो द्रव्यमान है वह है 20, तो यह मान प्राप्त होता है 8.375 मोल। ऑक्सीजन के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बटा ऑक्सीजन एवं नियॉन के मोलों की संख्या का योग लिखते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 2.21 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। यहाँ पर चूंकि इस मिश्रण में केवल डाइऑक्सीजन और नियॉन है, तो जब भी हम मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं तो जिस गैस के लिए मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे उसके मोलों की संख्या को ऊपर और पूरे पात्र में उपस्थित कुल जितने भी गैस के अणु हैं उन सबके मोलों की संख्या का योग, उसका जो अनुपात है यही कहलाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। यहाँ पर कैलकुलेट करने पर जो मान प्राप्त होता है डाइऑक्सीजन के मोल अंश के लिए 2.21 अपॉन 10.585 मान यहाँ पर प्राप्त होगा 0.21। यहाँ हम 1 माइनस 0.21 करके भी नियॉन के मोल अंश की गणना कर सकते हैं, क्योंकि जब मोलों की संख्या के आधार पर हम मोल अंश निकालते हैं तो यदि केवल दो ही गैस है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हमें x1 पता है तो 1 माइनस x2 करके हम दूसरे गैस के लिए मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा हमने डाइऑक्सीजन के लिए मोल अंश निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं। तो नियॉन के लिए मोल अंश निकालेंगे तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे नियॉन के लिए मोलों की संख्या, जो कि है 8.37 बटा कुल मोलों की संख्या 10.585 बराबर 0.79। ये नियॉन के लिए मोल अंश ज्ञात करते हैं। गैस का आंशिक दाब बराबर
मोल अंश गुणा कुल दाब है। प्रश्न में दिया है कुल दाब का मान और मोल अंश ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 0.21। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा 0.21 गुणा 25 बराबर 5.25 बार। इसी तरह नियॉन का आंशिक दाब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुल दाब है वह कुल दाब है प्रश्न में 25। तो नियॉन के लिए जो मोल अंश है वो है 0.79 गुणा कुल दाब 25 बराबर 19.75 बार नियॉन का आंशिक दाब होगा। अगला प्रश्न है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम प्रति घन डेसीमीटर पाया गया, तो एसटीपी पर उसका घनत्व क्या होगा? गैस का घनत्व और आयतन, इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो डी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/V। डी वन व्युत्क्रमानुपाती हम लिख सकते हैं 1/V1 और डी टू के लिए हम लिखेंगे 1/V2। तो D1/D2=V2/V1 कर सकते हैं। संयुक्त गैस नियम या आदर्श गैस समीकरण के आधार पर P1V1/T1 मान होता है बराबर P2V2/T2 होता है। यदि V1 की जगह पर हम घनत्व का मान रखेंगे तो V1 की जगह पर रखेंगे D2 और V2 की जगह रखेंगे D1। तो अब जो संयुक्त गैस नियम परिवर्तित होगा घनत्व के आधार पर, यह होगा P1D2/T1=P2D1/T2। यहाँ से हम D2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, P2D1T1/P1D2। यहाँ D1 का मान है 5.46 ग्राम प्रति घन डेसीमीटर, तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस करते हैं तो यह मान प्राप्त होता है 300 केल्विन। D2 ज्ञात करना है, T2 शून्य डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 प्लस करेंगे तो 273 केल्विन प्राप्त होता है टेम्परेचर। P2 वन बार प्राप्त होता है, P2 वन बार है। D2 के लिए हम मान रखते हैं D2 बराबर P2D1T1/P1T2 में, तो P2 के लिए मान होगा 1 × D1 5.46 × T1 300 केल्विन / P1 का मान है 2 × T2 का मान है 273। तो इस तरह से घनत्व का मान प्राप्त होता है 3 ग्राम प्रति घन डेसीमीटर। फास्फोरस वाष्प के 34.05 ml का 546 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 बार दाब पर द्रव्यमान 0.0625 ग्राम है, तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ भी हम आदर्श गैस समीकरण लेते हैं, PV=nRT। PV बराबर है WRT/m। यहाँ n के स्थान पर हम लिखते हैं W/m दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो इस आधार पर हम m की गणना कर सकते हैं, m बराबर WRT/PV। यहाँ फास्फोरस वाष्प का दिया गया द्रव्यमान है 0.0625 ग्राम, वाष्प का आयतन दिया हुआ है 34.05 ml, यहाँ लीटर में लेने पर इसे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। दाब है 1 बार और गैस स्थिरांक का मान बार में लिया गया है तो 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 546 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में चेंज करेंगे 273 प्लस करते हैं तो 819 केल्विन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम m के लिए विभिन्न मानों को रखेंगे, 0.0625 जो कि फास्फोरस वाष्प का द्रव्यमान है, r का मान 0.083, टेम्परेचर 819 केल्विन, प्रेशर 1 बार और यहाँ पर हम आयतन का मान देखते हैं 34.05 × 10⁻³ लीटर। तो इस तरह से
जो मान हमें प्राप्त होता है फास्फोरस का जो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वो है 125 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार आदर्श गैस समीकरण में मोलों की संख्या के आधार पर W बटा M रख कर हम किसी भी तत्व के जो वाष्प है उसके लिए हम मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं।